जय माता रानी। दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस यानी कि धन त्रयोदशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूँ कि धनतेरस पर कौन से वो शुभ मुहूर्त हैं जिन शुभ मुहूर्तों में आपको धनतेरस की खरीदारी करनी है। देखिए सबसे पहले तो धनतेरस पर अपने घर के लिए कुछ भी धातु जो पीली धातु है जैसे कि सोना है जैसे कि पीतल है इसकी खरीदारी करना बहुत शुभ होता है। धनतेरस पर हम चांदी की खरीदारी भी करते हैं। दोस्तों धनतेरस पर झाड़ू की खरीदारी का बहुत महत्व है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ धनतेरस पर कौन से शुभ मुहूर्त में आप सोना या चांदी खरीदें, कौन से शुभ मुहूर्त में आपको अपने घर से संबंधित जो चीजों की खरीदारी करना चाहते हैं तो वो करें, किस शुभ मुहूर्त में आपको इस धनतेरस पर झाड़ू खरीदना है। दोस्तों पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किस शुभ मुहूर्त में आपको धन त्रयोदशी की पूजा करनी है, क्योंकि आज के दिन देखिए पूजन किया जाता है धन कुबेर, धन के देवता कुबेर का। माता लक्ष्मी गणेश का तो पूजन हम करते ही हैं आज से शुरू। आज के दिन पूजन किया जाता है आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी का। इसके साथ ही यम के नाम का दीपक भी आज लगाया जाता है। दोस्तों तो सभी के शुभ मुहूर्त इस वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। तो संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो को अंत जरूर देखिए। दोस्तों 10 नवंबर को इस बार हम धनतेरस मना रहे हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो धन त्रयोदशी है, त्रयोदशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। दोस्तों त्रयोदशी की तिथि प्रारंभ होगी 10 नवंबर को 12:35 पर, जो कि समाप्त होगी 11 नवंबर को दोपहर में। ये दोपहर का समय है 12:35 पर, और 11 नवंबर को दोपहर में 1:57 पर ये समाप्त होगी। तो धनतेरस देखिए हम 10 नवंबर को ही मनाएंगे, क्योंकि इस दिन ही हमें प्रदोषकालीन जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो मिल रहा है। तो दोस्तों अब समय नोट कीजिए कि धनतेरस पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या होगा। तो धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त दोस्तों है शाम में 5:47 से शाम के ही 7:42 तक। तो 1:56 की कुल समय अवधि है। इसी समय अवधि में धन त्रयोदशी की पूजा हमें कर लेनी है। तो आज की पूजा जो विधि होगी, जो सामग्री चाहिए, ये सभी जानकारियां मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिए। दोस्तों आज के दिन जो पूजा होती है ना वो प्रदोष काल में या वृषभ काल में भी की जाती है। तो दोनों समय अलग से मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो प्रदोष काल शुरू होगा 5:30 जो रात के 8:08 तक रहेगा। अगर आप 7:45 तक पूजन नहीं कर पाते हैं तो अगर 8:00 तक भी करते हैं, 8:10 तक भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए शहर के मुताबिक 2-4-10 का डिफरेंस तो हो ही जाता है, तो इस समय अवधि को भी आप मान के चले। वहीं वृषभ काल में पूजा करना बहुत शुभ कार्य बताया गया है। तो जो मैंने धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त आपके साथ शेयर किया है शाम के 5:47 से रात के 7:42 तक, ये वृषभ काल का समय है। तो माता लक्ष्मी का जो पूजन होता है ना वो वृषभ काल में बहुत शुभकारी होता है। तो इसी समय आपको पूजन करना है। अब दोस्तों यम के नाम का दीप आज ही के दिन निकालना है। हालांकि आज के दिन से शुरू कर कई जगहों पर भाई दूज तक यम के नाम का दीप निकाला जाता है 5 दिनों तक। अगर आपके यहाँ भी आज के दिन सिर्फ निकाला जाता है तो आपको इसके लिए रात्रि काल का इंतजार करना होगा। देखिए यम का दीप आप अपने घर के हिसाब से लगाएं। जब परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर आ जाए ना तो लगभग 10:00 के बाद ही यम का दीपक लगाना है। आप रात में 11:30 तक यम का दीपक लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों धनतेरस पर, इस धनतेरस पर जो खरीदारी के शुभ मुहूर्त है वो आप नोट कर लीजिए। तो देखिए धनतेरस जो है शुक्रवार के दिन त्रयोदशी की तिथि 12:35 से प्रारंभ होगी। और जो खरीदारी के शुभ मुहूर्त है, सबसे पहला जो शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त। इस समय आप खरीदारी करते हैं, आपके जीवन के लिए बहुत ही सुख समृद्धि सौभाग्य लेकर आती है ये खरीदारियां। तो 11:43 से 12:26 के बीच आपको ये खरीदारी कर लेनी चाहिए। अब शुभ की जो चौघड़िया है वो 11:59 से 1:22 तक, तो इस बीच आप खरीदारी कर सकते हैं। जो चैत्र चौघड़िया है वो शाम में 4:07 से 5:30 तक है, तो इस समय आप खरीदारी कर सकते हैं। और इससे भी ऊपर अगर कोई विशेष शुभ मुहूर्त आपकी पकड़ में नहीं आ रहा है, किसी कारणवश कहीं बिजी हैं, तो आप 12:36 के बाद, मतलब दोपहर में 12:36 के बाद त्रयोदशी तिथि जैसे ही प्रारंभ होगी उसके बाद आप कभी भी खरीदारी धनतेरस की कर सकते हैं। दोस्तों इस खरीदारी में जैसा कि मैंने बताया कि आप जो शाम में 4:07 से 5:30 का समय है, इस बीच अपने घर के लिए को झाड़ू खरीदना है इस धन त्रयोदशी पर, जो कि जरूरी है, खरीदना ही चाहिए, तो आप इसी शुभ समय में खरीदें। और बाकी समयों में आप जो भी घर के लिए
बर्तन लेना चाहते हैं, गैजेट्स लेना चाहते हैं, बहुत लोग वाहन आज के दिन निकालते हैं, तो ये सभी खरीदारियों के लिए ये जो सभी शुभ मुहूर्त मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इनमें आप कर सकते हैं। दोस्तों धनतेरस पर बहुत सारे उपाय मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, बहुत ही चुनिंदा वो उपाय हैं जिसको आपको अपनाना चाहिए। धनतेरस पर क्या सामग्री आपको पूजन के लिए चाहिए और जो पूजन विधि है संपूर्णता से मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। आगे दिवाली पूजन, दिवाली पूजन में क्या सामग्री चाहिए, दिवाली पूजा के दिन धन की पोटली किस प्रकार बनानी है और इस दिन सुख समृद्धि के लिए क्या वो कार्य है जो हमें जरूर करने चाहिए, पूजा विधि के साथ साथ ये सभी जानकारियां आपको प्राप्त होने जा रही है, तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। दोस्तों अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूं मैं, जैसा कि मैंने आप सभी से वायदा किया है कि इस बार दीपावली के ये पंच दिवसीय जो महापर्व है इसमें आप ये छोटे छोटे कार्य करते चले मेरे साथ और फिर आप देखेंगे कि इस साल में माता लक्ष्मी किस प्रकार आप पर अपनी कृपा बरसाती है। जरूर आपको फायदा होगा, इन छोटे छोटे कार्यों को जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों परिजनों तक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारी आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।